बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान की कौन सी आयत पढ़ने से जिन्नात खुद पहरेदार बन जाते हैं? जिन्नात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से क्यों डरते थे? जिन्नात लोगों को कैसे डराते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह मक्तबाए देवबंद लिखते हैं कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन बसर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, एक दफा मैं हमस से चला तो रास्ते में रात के वक्त एक जगह कयाम किया तो वहाँ के जिन्नात मेरे पास आ गए। मैंने इसी वक्त सूरत अराफ की ये आयत पढ़ी। ये सुनते ही जिन्नात ने एक दूसरे से कहा, अब तो सुबह तक इनका पहरा देना पड़ेगा। जनाजा उन्होंने सारी रात मुझे तंग करने और डराने धमकाने की बजाय मेरा पहरा दिया। सुबह को मैं सवारी पर बैठा और आगे चल पड़ा। इसी तरह हजरत अलामा मुफ्ती फैज अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह मक्तबाए बरेलवी लिखते हैं कि जब सुलह खतीबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा वापस लौटे तो रास्ते में मुकामे जहफा पर कयाम किया और फरमाया, तुम में से कौन बा हिम्मत है जो फला कुएं से पानी ले आए, मैं इसको जन्नत की जमानत देता हूँ। एक सहाबी ने अर्ज की कि मैं जाता हूँ। हजरत सलमा बिन अकूर रजी अल्लाह अन्हा भी इनके साथ थे। चुनाचा फरमाते हैं कि जब हम कुएं के करीब पहुँचे तो वहाँ के दरख्तों से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी और इनसे आग के शोले बुलंद हो रही थी। हम डर के वापस आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिन्नात थे, अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक चले जाते तो वो तुम्हें कुछ ना कहते। फिर एक और जमात भेजी, वो भी डर कर वापस लौट आई। बिल आहिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को बुला कर पानी लेने भेजा। इनके साथ भी एक जमात थी जो ऐसा खौफनाक मंजर देखते ही डर गयी। जितने के इन खौफनाक दरख्तों से कटे हुए सर जाहिर होने लगे मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, डरो नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और औज़ुबिल रहमान पढ़ते हुए कुएं के करीब पहुंच गए। कुएं में से पानी निकालना शुरू किया तो वहां से भी कहकहों की खौफनाक आवाजें आती रही मगर उन्होंने इत्मीनान से पानी भरा और वापस आ गए। रास्ते में हातिफ खैबी की आवाज आई जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की शान में मनकबत पड़ रहा था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर माजरा सुनाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हातिफ अब्दुल्लाह जिन था जिसने बुतों के शैतान मसार को कोहे सिफा पर कत्ल किया था। नाज़रीन गिरामी, इंसानों को जिन्नात का तंग करना तो अहादीस से साबित है, भला ऐसी बदकिस्मती किस पर गालिब होगी जो हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान करदा हकायक को खुद साख्ता कहानियां कहकर रद्द करता फिरे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको जिन्नात से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।